हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यू आर ज्ञान में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या पीसी में चला सकते हो। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एनी डेस्क। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये प्रोसेस लैपटॉप में करते हैं। लैपटॉप में आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, जैसे क्रोम ब्राउज़र हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनी डेस्क। जैसे ही एनी डेस्क लिखकर मैं टाइप करूँगा, ये दूसरे पेज पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो दिखाई दे रहा है, एनी डेस्क द फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर डाउनलोड नाउ। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ये डाउनलोड होगा, आपको दिखाई देगा एनी डेस्क आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, तो आप इस वाले पेज पर जैसा ये आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप पे आपको अभी कुछ नहीं करना है। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस एनी डेस्क को डाउनलोड करना है, या आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो ये ऐसा ओपन होगा। अब यहाँ पे आप ये जो आईडी देख रहे हैं, यूअर एड्रेस, इसको आपको अपने लैपटॉप या पीसी में रिमोट डेस्कटॉप वाला जो ब्लैंक जगह है, यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप इसको टाइप कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके पीसी पर चालू हो गई। ये देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल की स्क्रीन मेरे पीसी पर चालू हो चुकी है। तो इस प्रकार आप बिना ज़्यादा कुछ किए एप्लीकेशन का यूज़ करके, एक एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने लैपटॉप या पीसी में अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से चला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।